हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग घर में अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज हम कक्षा 5 का पर्यावरण पढ़ेंगे, पर्यावरण सबके आसपास, स्वाध्याय पुस्तिका में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हमने ये वाला पार्ट में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे प्रश्न उत्तर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन का पहला क्वेश्चन। कैलेंडर, डायरी अथवा पंचांग की सहायता से इस वर्ष आने वाले त्योहार उत्सवों की सूची बनाइए। देखो, हमने जैसे किताब में जिसकी सूची बनाई थी उसी तरह हमको इसकी सूची बनानी है कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से त्योहार आते हैं। स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं हम। नूतन वर्ष, भैया दूज, ईद। हमको इसमें हमारे वर्ष में जो जो त्योहार आते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो लिखा है हमने पहले नूतन वर्ष, भाई दूज, ईद, धनतेरस, पतेती, मोहर्रम, काली चौदस, नाताल, रथ यात्रा, दिवाली, गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, नवरात्रि, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, होली, रामनवमी, वसंत पंचमी, बैसाखी और दशहरा और नाग पंचमी। स्टूडेंट्स, ये सब त्यौहार क्या हमारे साल में ये सब त्यौहार आते हैं। ये देखो, हमने इधर से लाइन से लिखा है तो हम लाइन से एक बार फिर से पढ़ लेंगे। नूतन वर्ष, धनतेरस, काली चौदस, दिवाली, नवरात्रि, होली, वैशाखी, भैया दूज, पतेती, नाताल, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, रामनवमी, दशहरा, ईद, मोहर्रम, रथ यात्रा, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, वसंत पंचमी और नाग पंचमी इत्यादि त्यौहार हम वर्ष में मनाते हैं। फिर देखिए दूसरा पेज। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 7(1) के उत्तर में दी गई त्योहारों की सूची के नीचे तालिका में वर्गीकरण कीजिए। अब देखो, हमने उसमें उस बॉक्स में त्योहारों के नाम लिखे। अब हमको इसमें क्या बताना है, तारीख और तिथि और वो किस दिन है वो हमको इसमें बताना है। स्टूडेंट्स, तो देखो, हमको इधर तारीख लिखनी है, इधर तिथि लिखनी है, कौन सा त्योहार है वो, और यहाँ पे दिन या अन्य प्रकार से किस दिन आता है वो। तो देखो, हम लिखेंगे 14/1/2020 उत्तरायण मंगलवार। फिर देखिए 9/3/2020 होली सोमवार, 3/8/2020 रक्षाबंधन सोमवार, 12/8/2000 जन्माष्टमी बुधवार। 2020 है ना, 12/8/2020 जन्माष्टमी बुधवार, 22/8/2020 गणेश चतुर्थी शनिवार, 17/10/2020 नवरात्रि शनिवार, 25/10/2020 दशहरा रविवार। अब देखिए नेक्स्ट है दिवाली। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है, दिवाली की तारीख आपको खुद ढूंढ कर लिखनी है। दिवाली की तारीख और दिवाली किस वार को पड़ता है वो आपको इधर लिखना है। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया, फिर देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किन किन त्योहारों को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अब हमको पूछा गया है कि कौन कौन से त्यौहार हम राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो हम लिखेंगे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती और बाल दिवस, यह सभी त्यौहार को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया कौन कौन से त्यौहार हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती और बाल दिवस, ये सभी हमारे क्या है, राष्ट्रीय त्यौहार हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस देश में राष्ट्रीय पर्व है। देश भर में स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, बाजार इन पर्वों पर बंद होते हैं। विभिन्न आवासीय सामाजिक लोग भी इन त्योहारों को
जश्न मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। उन वीर शहीदों की स्मृति में राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हमको पता चल गया कि राष्ट्रीय त्यौहार क्यों मनाते हैं। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किन किन त्योहारों को सभी लोग मिलकर मनाते हैं। तो किन किन त्यौहार को सभी लोग मिलकर मनाते हैं बच्चों, तो देखो दिवाली, होली, नवरात्रि, बैसाखी, ईद और रक्षाबंधन, ये सभी त्यौहार हम कैसे मनाते हैं बच्चों, मिलके मनाते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको ये सब त्यौहार हम कैसे मनाते हैं मिलके। देखिए दूसरा पेज ये है, फॉर नंबर कौन कौन से त्यौहार व्यवसायों से संबंधित हैं। अब हमको इसमें बताना है कि कौन कौन से त्यौहार व्यवसाय से संबंधित है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कौन से त्यौहार हम व्यवसाय से संबंधित हैं। तो हम लिखेंगे होली, उत्तरायण, रक्षाबंधन, दिवाली इत्यादि और भी त्यौहार व्यवसायों से संबंधित है। ओके बच्चों, देखो ये होली, उत्तरायण, रक्षाबंधन, दिवाली इत्यादि कैसे त्यौहार है व्यवसाय, इनमें हम लोग इनमें कई लोग व्यवसाय करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये होली, उत्तरायण, रक्षाबंधन, दिवाली इत्यादि क्या है, व्यवसाय से संबंधित है। इन त्योहारों पे क्या होता है, व्यवसाय अधिक होता है। आप लोग जानते हो कि होली में रंगों की बिक्री बहुत होती है, उत्तरायण में डोरी और पतंग तो हद बिगर के बिकते हैं, रक्षाबंधन में राखियों के भाव तो बहुत होते हैं, और दिवाली पे तो सभी वस्तुएं हमको चाहिए होती है। दिवाली पे तो अत्यधिक खर्चा होता है, दिवाली से तो कई लोगों को कितना व्यवसाय मिलता है ना बच्चों, इसीलिए ये सब क्या है, व्यवसाय से संबंधित त्यौहार है। होली, उत्तरायण, रक्षाबंधन, दिवाली इत्यादि सब क्या है, व्यावसायिक त्यौहार है। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए 5 नंबर, प्रत्येक त्यौहार एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं। अब हमको पूछा गया प्रत्येक त्यौहार किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो हम लिखेंगे प्रत्येक त्यौहार एक दूसरे से भिन्न होते हैं क्योंकि सभी त्यौहार के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। जैसे हम दिवाली को धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही मुसलमान ईद को मनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9, आपके जिले में लगने वाले मेला का विवरण नीचे तालिका में लिखे। देखो हमारे जिले में कौन से मेले लगते हैं उसके बारे में हमको लिखना है। मेले का स्थान, मेला किस त्यौहार पर लगता है, क्या मेला किसी तीर्थ स्थल पर लगता है, हाँ या ना, मेला किस अंग्रेजी महीने में लगता है। तो हम लिखेंगे कुंभ मेला मकर संक्रांति, हाँ जनवरी में। ओके, दिल्ली चकला कौन सा मेले का स्थान है, दिल्ली चकला में जन्माष्टमी के त्यौहार पर, कौन से त्यौहार पर बच्चों, जन्माष्टमी के त्यौहार पर, वो किसी तीर्थ स्थल पर लगता है, हाँ, और कौन से महीने में, अगस्त में। फिर देखिए चौकड़िया महादेव पर किस दिन मेला लगता है, तो शिवरात्रि के त्यौहार पर, और वो किसी तीर्थ स्थल पर है, हाँ, और किस में आता है, फरवरी में। फिर देखिए मेले का स्थान पावागढ़ में मेला लगता है किस त्यौहार पर, गणेश चतुर्थी पर, फिर लिखना है हाँ, कौन से महीने में, अक्टूबर में। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, नाम के आगे आपसे संबंधित प्रसंग के खाने में सही का चिन्ह कीजिए। कुछ देखी हुई अन्य बातों के बारे में भी आप लिख सकते हो। देखो नामावली, मेला, विवाह उत्सव, ये हमने किताब में भी किया था, उसी तरह हम इसको बुक में भी करेंगे। निमंत्रण पत्रिका मेले में दी जाती है, विवाह उत्सव में तो विवाह उत्सव में सही करेंगे। मौत का कुआं कहाँ होता है, मेले में, गजरा तो विवाह उत्सव में, ढोल विवाह उत्सव में, मिठाई तो मेले में भी होती है और विवाह उत्सव में होती है, इसलिए दोनों में राइट आएगा। फिर आएगा खिलौने मेले में होते हैं, जादूगर मेले में होता है, झूला भी मेले में होता है, नाश्ता तो मेले में भी होता है और विवाह उत्सव में भी होता है, तो हम दोनों में ही इसमें सही करेंगे। ओके बच्चों, आपको समझ में आ गया ये। फिर देखो दूसरे पेज में क्वेश्चन नंबर 11, आपके जिले में स्थानांतरण करने वाले जन समुदाय भी रहते होंगे, नीचे तालिका में उनकी जीवन शैली के बारे में लिखिए। देखो बच्चों, हमने इसमें किताब में भी ऐसा पूरा किया था, हमको आज इसमें स्वाध्याय पोथी में भी पूरा करना है। स्थानांतरण करने वाले समुदाय का नाम, व्यवसाय, वेशभूषा, आहार और उनके
साधन। फिर देखो फर्स्ट में हम लिखेंगे आदिवासी, मजूरी बांधकाम, स्त्री पेटीकोट दुपट्टा ब्लाउज, पुरुष पैंट शर्ट गमछा, आहार में मक्का बाजरे की रोटी, और साधन उनके पास क्या है? कुछ नहीं, पैदल चलकर। फिर देखो सेकंड नंबर में सुथार, फर्नीचर का काम, साड़ी, स्त्री के कपड़े कौन से होते हैं? साड़ी पेटीकोट ब्लाउज पैंट शर्ट, सब्जी रोटी दूध दही, और उनके साधन मोटर साइकिल। थर्ड नंबर मिस्त्री, कड़िया काम, व्यवसाय बांध काम, स्त्री साड़ी, पुरुष पैंट शर्ट कुर्ता पायजामा, आहार मांसाहारी भोजन अंडा मछली, और साधन साइकिल। फिर देखिए किसान, किसान का व्यवसाय है खेती, स्त्री साड़ी, पुरुष धोती कुर्ता गमछा, आहार सादा भोजन, और साधन बैलगाड़ी। नेक्स्ट मछुआरा, व्यवसाय मछली पकड़ना, स्त्री पेटीकोट ब्लाउज और पुरुष लुंगी शर्ट, आहार मच्छी रोटी, और साधन उनका क्या होता है? नाव। ओके फ्रेंड्स, ये देखो आज हमने इधर पूरा किया, कंप्लीट किया। हमने इधर जन समुदाय के काम और उनके नाम, हम उनके स्थानांतरण करने के जन समुदाय के नाम लिखा, व्यवसाय लिखा हमने, जिसके स्त्री पुरुष के वेशभूषा और आहार और उनके साधन, तो वो किस तरह उनके साधन से आते जाते हैं या किस तरह उनके साधन काम आते हैं व्यवसाय में। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ तक आपको आपकी वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है। अब आपको होमवर्क में आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 42 ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको होमवर्क में यहाँ तक कंप्लीट करना है, और क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।